आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 13 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान में सियासी संकट, बागी हुए सचिन पायलट, बीजेपी ने की फ्लोर टेस्ट की मांग। राजस्थान की जो राजनीति का ड्रामा चल रहा है उसमें इंटरवल हैं, एंड कब होगा इसका पता किसी को नहीं है। 9 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मामले, सरकार ने कहा सब ठीक है। कि इंडिया अगर एक सिंगल डे में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है अगर, तो एक तरह से ये माना नहीं जा सकता कि स्थिति कंट्रोल में है। पश्चिम बंगाल में बाजार में लटका मिला बीजेपी विधायक का शव, हत्या का शक। उत्तर बंगाल में जब से 2019 से बीजेपी जीती है उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि क्या योगी सरकार जल्द ही नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान में सरकार पर मंडरा रहा संकट खत्म तो नहीं हुआ, मगर फिलहाल के लिए संकट टलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पठानकोट पहुंचे और वहां ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,78,000 के करीब पहुंच गया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के प्रीमियम प्लान पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबलीगी जमात मामले में सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए टाल दी है। दिल्ली की एक अदालत ने IB के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। CBSE की 12वीं की परीक्षा के आज नतीजे आए। पिछली बार से 5% ज्यादा छात्र इस बार पास हुए। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। और बॉलीवुड के निर्देशक रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस की मदद के लिए 11 होटल उपलब्ध कराए हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। यह है शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की, समझेंगे क्या कहते हैं कोरोना के आंकड़े, और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की भी, जहां एक बीजेपी विधायक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी के नेता सचिन पायलट बागी उड़ान पर हैं। सबकी नज़रें अब इसी पर टिकी हैं कि वो कहां लैंड करेंगे और क्या राजस्थान की सरकार बच पाएगी। अभी संख्या बल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्षी बीजेपी ने सरकार के अल्पमत में होने का दावा कर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। ये पूरा प्रकरण राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की सरकार को गिराने की साजिश की जांच से शुरू हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बीते महीने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव के दौरान ही तैयार हो गई थी, जब कांग्रेस ने अपने विधायकों पर खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए थे। राजस्थान के सियासी नाटक में आज क्या हुआ, यही समझने के लिए मैंने बात की जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार से। राज्यसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ कांग्रेस का सियासी नाटक इंटरवल के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसका अंत अब होने ही वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अब यह साफ कर दिया है कि हम लड़ाई में आर या पार के मूड में हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक उसी दिल्ली हाईवे पर आ गए हैं जहां राज्यसभा चुनाव से पहले थे। इस बार होटल बदला हुआ है, फेयरमाउंट होटल में आकर रुके हुए हैं। और इस बार एक और परिवर्तन है कि सचिन पायलट का गुट गुड़गांव के एक 5 सितारा होटल में रुका हुआ है। किसके पास कितने विधायक हैं इसका दावा अभी भी किया जा रहा है। सचिन पायलट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास अभी भी इतनी संख्या है विधायकों की कि हम सरकार गिरा दें, और अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास इतनी संख्या है कि हम सरकार बचा लें। मगर सवाल उठता है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अगर 101 पर बहुमत मिलता है और अशोक गहलोत के पास 102 विधायक हैं, तो कब तक आखिर बचा पाएंगे, क्योंकि इसमें से 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जो सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं और अशोक गहलोत के कैंप में नजर आ रहे हैं। ऐसे में होटल में रहकर सरकार कितने दिन तक चलाई जा सकती है। शरद, लेकिन जरा ये समझाइए कि अशोक गहलोत के नाक के नीचे से इतने सारे विधायक निकलकर कैसे चले गए। राजनीति के इतने धुरंधर हैं अशोक गहलोत, क्या उनको नहीं पता चल पाया कि उनके विधायक सचिन पायलट के साथ जा रहे हैं? दरअसल एक प्लानिंग के तहत अचानक से सारे विधायक जो थे, जिनकी संख्या बताई जा रही है कि
2021 है, जबकि पायलट गुट का दावा है कि 30 से ज्यादा है, यहां से निकल गए गुड़गांव की तरफ। तब जाकर अशोक गहलोत को पता चला और आनन फानन में उन्होंने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया, नोटिस भेजा, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारी आत्मसम्मान की लड़ाई है, और अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि ये भी आत्मसम्मान की लड़ाई है। ऐसे में अब गांधी परिवार करे तो करे क्या, क्योंकि सचिन पायलट पिछले 1.5 सालों में बिल्कुल हाशिए पर कर दिए गए। भले ही वो राजस्थान में सबसे लंबा प्रदेश अध्यक्ष रहे हों कांग्रेस के, मगर उनकी सरकार में चलती नहीं थी, उनकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री से ज्यादा की नहीं थी, और ज्यादातर मीटिंगों में भी अशोक गहलोत उनको नहीं बुलाते थे। इस बात की कसक उनके अंदर थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया है। मगर अशोक गहलोत राजनीति के चतुर सुजान हैं, ये कमलनाथ नहीं है। इन्होंने समय रहते ही अपनी सारी ताकत लगा दी और बहुमत लायक विधायकों को लेकर होटल में आ गए हैं। शरद, अब जरा ये समझाइए कि अब आगे होगा क्या, सचिन पायलट के पास क्या भविष्य है और क्या सचिन बीजेपी में जाएंगे? फिलहाल सचिन पायलट इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनकम टैक्स का छापा पड़ा है धर्मेंद्र राठौड़, जो कि राजनीतिक मामले को संभालते हैं अशोक गहलोत के यहाँ, और जो आर्थिक मामलों को संभालते हैं ज्वेलर हैं राजीव अरोड़ा, उनके यहाँ छापा पड़ा है, और फिर जिस होटल में विधायक लाए गए हैं फेयर माउंट होटल, वहाँ छापा पड़ा है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छापा पड़ा है और एक साथ अशोक गहलोत के करीबियों पर, और वो भी राजस्थान पुलिस को साथ नहीं लिया गया है, केंद्रीय रिजर्व बल के साथ ही आए छापा मारने के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की कहीं ना कहीं साठगांठ सचिन पायलट से चल रही है। और जब इस तरह से साठगांठ चल रही है तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम सचिन पायलट के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। शरद, ये बताइए गांधी परिवार क्या चाहता है? गांधी परिवार चाहता है कि समझौता हो जाए कहीं ना कहीं, और क्योंकि अगर सचिन पायलट के साथ विधायक आते हैं तो सरकार आराम से 5 साल तक चल सकती है। अगर इस तरह से 101 102 में सरकार 5 साल तक नहीं चल सकती, हमेशा गर्दन पर तलवार लटकी रहेगी। अब अशोक गहलोत कहते हैं कि एक बार सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, बाकी के सारे विधायक आ जाएंगे हमारे पास, सारा संकट दूर हो जाएगा। इसी में मामला फंसा पड़ा है, क्या सचिन पायलट अगला मूव क्या हो गया, क्या पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस से निष्कासित होंगे, क्या गांधी परिवार के पास इतनी ताकत बची है कि वो अशोक गहलोत को कह सके कि आप समझौता करें, क्योंकि जब जब इतिहास गवाह है कि दिल्ली कमजोर पड़ती है, छत्रप सिर उठाते हैं, और अशोक गहलोत तो वैसे क्षत्रप हैं जो AICC के हेडक्वार्टर से लेके 10 जनपद तक संभालते हैं, उनके उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप किस तरह के फैसले लें। ये अशोक गहलोत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोग कि आप बात कर लें। लेकिन शरद, जिस तरह से ये मामला चल रहा है, लगता नहीं कि अशोक गहलोत बात करेंगे। यहाँ से अब दो ऑप्शन है, या तो होटल से राज्य भवन जाएं जहां राज्यपाल के सामने परेड कराई जाए, कुछ और विधायकों के आने का वेट किया जाए, दूसरा विधानसभा का सत्र बुलाकर मानसून सत्र एक बार बहुमत पारित कर दिया जाए ताकि 6 महीने का वक्त मिल जाए कि अविश्वास प्रस्ताव लाने में, और तीसरा विकल्प यह है कि सचिन पायलट के मान जाने का इंतजार किया जाए। अगर सचिन पायलट मान जाते हैं तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी और यहां से विधायकों को वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन बात वही है कि जब एक बार अशोक गहलोत ने कहा कि बकरा मंडी बना दिया है बीजेपी ने, अगर बकरा मंडी बना दिया है तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी इस हालात में। ऐसे में कहा जा सकता है राजस्थान की जो राजनीति का ड्रामा चल रहा है उसमें इंटरवल है, एंड कब होगा इसका पता किसी को नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है वो यही है कि सचिन पायलट का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, वो विपक्षी बीजेपी में आएंगे या नहीं, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मानते हैं कि कांग्रेस में सचिन पायलट की अनदेखी हुई है। नहीं, 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये कि अगर जो आदमी 5 साल तक जिन्होंने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि जब 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए थे
तो उस वक्त 200 में से करीब 162 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी और 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। यानी कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी थी और उसके पहले 5 साल तक अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर पार्टी का परफॉर्मेंस इतना बुरा होता है तो इसका मतलब इसका क्रेडिट तो उसके वहां के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। उसके बाद सचिन पायलट को उसकी जिम्मेदारी दी गई। सचिन पायलट ने 5 साल तक मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो भी पीसीसी प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। तो जब सचिन पायलट की दावेदारी हुई उसके उस समय अगर अशोक गहलोत सामने आते हैं और उनको अगर आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो कोई भी नेता होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, वो जरूर अपने आप को स्लाइटेड फील करेगा या अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करेगा कि मेरे सामने मेरी मेहनत से जो खाना बना था वो तस्तरी मेरे सामने से हटा ली गई। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आज कांग्रेस जिस स्थिति में है, अगर कांग्रेस पार्टी आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करती है तो उसमें कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद है। यह मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से था जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को जब उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाला तो मैंने उसकी आलोचना की थी। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि वो एक फैसला था जो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त किया था और वही फैसला आज कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत है। कांग्रेस के कई तमाम बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में नए सिरे से राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना चाहती है तो उसको उस तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा जिस तरीके का प्रयोग कामराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1964 में किया था। उस वक्त के तमाम तपे तपाए मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था जिसमें मुरारजी देसाई और कामराज नाडर खुद थे। इन सब लोगों को कहा गया था कि आप सरकार छोड़िए और पार्टी को संगठन को मजबूत करने का। अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका कोई असम्मान नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की जरूरत आज राष्ट्रीय स्तर पर है जहां पार्टी को जो है मजबूत करे। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद आज 9 लाख के पार जा सकती है। बीते एक सप्ताह में ही 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि भारत में लगभग 63% संक्रमित अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण के मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और भारत में कोरोना का ग्राफ अभी ऊपर ही चढ़ रहा है। इसी बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी नियंत्रण में है। क्या कहते हैं कोरोना के ताजा आंकड़े और भारत में हालात कब तक सुधर सकते हैं, यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक के डेटा जर्नलिस्ट दीपू राय से। और सबसे पहले यही पूछा कि भारत में ठीक हो रहे मरीजों का प्रतिशत लगभग 63 है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक सकारात्मक संकेत है? कोरोना के केसेस भारत में आज एक तरह से देखा जाए कि क्या स्पीड है, रिकवरी नो डाउट अभी 63% के आसपास पहुंच गई है। जो सोमवार को आंकड़े जारी हुए उसमें 18,850 नई रिकवरीज देखी गई, तो रिकवरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नो डाउट थोड़ा सा कंट्रोल में कंडीशंस दिखती है। लेकिन जनरली ये होता है कि आप कोई भी कोरोना का पेशेंट या इधर वो उसकी डेथ हो जाती है या वो हॉस्पिटल से छूट जाता है या माइल्ड केसेस करके उसको कहा जाता है कि आप घर पे आराम करिए या आज एक तरह से उस पूरे कम्युलेटिव केसेस में से इनको क्लोज केसेस में काउंट किया जाता है। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया अगर एक सिंगल डे में रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, अगर जैसे वो आज 28,701 टोटल केसेस में एड किया है, डेली इंक्रीज हुआ है, तो एक तरह से ये माना नहीं जा सकता कि स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस अगर लगातार बढ़ रहे हैं, कहाँ केसेस 5,000-2,000 हुआ करते थे, अब वो एक तरह से 28,701 केसेस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड डेली टूट रहा है नए केसेस का, तो ऐसे में हम रिकवरी को लेके क्या कर सकते हैं कि वो 60% नहीं बल्कि 70% हो, क्योंकि वो परसेंटाइल टर्म में है। लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे एक सीधा सा आंकड़ा है कि पिछले 3 दिनों में 84,452 केसेस भारत में रिकॉर्ड हुए हैं कोरोना के, केवल 3 दिन में। अब वो कितने रिकवरी केसेस आए नहीं आए
है, कितने एडिशन हुए, कितने लोग हॉस्पिटल से छूट गए क्योंकि इलाज तो हो नहीं रहा है, जो भी उनकी अपनी इम्यूनिटी पावर की वजह से अगर उनके केसेस बाहर नहीं डेवलप हो रहे हैं और प्रॉपर ठीक हो जा रहे हैं, तो एक संकेत जरूर है कि हाँ इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं। करीब 63% लोग नए जो आंकड़े आए हैं मंगलवार सोमवार को, जो संडे के आंकड़े होते हैं वो जो सोमवार को पेश किए जाते हैं उसके मुताबिक, यानी कि 18,850 लोग रिकवर किए हैं। लेकिन अगर आपके केसेज में 28,701 लोग नए जुड़ जा रहे हैं तो ये जो गैप है आपका तकरीबन 10,000 का, ये लोग रोज अगर ऐसे ही ऐड होते रहे तो वही नतीजा है कि 84,452 केसेज केवल 3 दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं। दीपू, लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई नियंत्रण में है। ऐसा नहीं लगता कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। एक ऑफिशियल वर्जन जरूर हो सकता है और थोड़ा पॉजिटिव संकेत जरूर हो सकता है कि केसेज जो है रिकवरी रेट वो थोड़ा सा सुधरा है, 63% के आसपास है, लेकिन ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि नए केसेज में जब तक गिरावट नहीं देखी जाती पहले के मुकाबले, तब तक आप नहीं कह सकते कि स्थिति नियंत्रण में है। वो रोज पर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। आप जिस तरह से, हालांकि थोड़ा सा डेथ रेट में स्लाइटली कमी आई है, 2.6% को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अब दूसरी चिंता सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट पहले महाराष्ट्र, दिल्ली या एक तरह से तमिलनाडु, यूपी इस तरह से हुआ करते थे, अब जो नए केसेस में है, जहां सबसे ज्यादा सिंगल डे स्पाइक हो रहा है, उसमें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मेघालय है। मैं वन डे की स्पाइक बता रहा हूँ। जैसे आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एक दिन में केसेस रिकॉर्ड हुए वो 1933 केसेस रिकॉर्ड हुए, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल आ गया है, एक दिन का मैं केसेस के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। बिहार तीसरे पोजीशन पर है, 1,269 केसेज हैं, गुजरात 879 है, छत्तीसगढ़ आ गया जहाँ पे कि पूरा ग्रीन दिखता था, छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का ऐसे सिटीज हुआ करते थे महीने भर पहले जहाँ पे कि केसेस थे। मेघालय नॉर्थ ईस्ट का स्टेट, 99 केसेस केवल रिकॉर्ड किया है, अभी एक सिंगल डे स्पाइक है, एक दिन में 99 केसेज मेघालय जैसे स्टेट नॉर्थ ईस्ट में, जो कि सबसे सेफ माना जाता था। अगर ओवरऑल 5 स्टेट बिगेस्ट जंप में और भी देखें जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे थे वो यही महाराष्ट्र के बाद, बाकी स्टेट तमिलनाडु और दिल्ली या राजस्थान वगैरह या यूपी या मध्य प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब वो सिनेरियो बदल रहा है। अब जब अभी भी, हालांकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड टोटल केसेस भी देखिए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और कर्नाटका हैं। महाराष्ट्र में अभी भी 2,54,000 से ऊपर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं टोटल, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर 1,38,470 केसेस हैं, फिर दिल्ली आता है 1,12,000 के आसपास केसेस, गुजरात 41,000। तो ओवरऑल रिकवरी रेट नो डाउट एक पॉजिटिव संकेत है। दीपू, ये समझाइए कि सबसे बड़ा संकेत क्या माना जाएगा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो होगा आपका नए केसेज में जो एडिशन डेली हो रहे हैं उसमें गिरावट आना, और उसमें गिरावट नहीं आ रही है, और इसी गिरावट के न आने का नतीजा है कि हर रोज 27,000 केसेज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं डे बाई डे। तो और यही नतीजा है कि 8,00,000 जो 78,000 केसेज जो बढ़े हैं, यानी कि 3.4% की ग्रोथ हुई है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर 3 दिन तक का लें तो 84,452 केसेज, यानी कि अगर आप 4 दिन में लो तो तकरीबन 1,00,000 केसेज केवल 4 दिन में आपके पास एडिशन अगर हो रहे हैं, तो चाहे जैसी रिकवरी का रेट रहे, अगर वो कई गुना तकरीबन 10,000 केसेज ज़्यादा है, नए केसेज ज़्यादा हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि ये कंट्रोल में है कि नहीं कंट्रोल में है। संकेत जरूर, एक मन को सांत्वना जरूर मिलती है कि हाँ लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्ट हो रहे हैं और जो आ रहे हैं वो उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है अभी भी, और वो 10,000 का गैप है रिकवरी और नए केसेस, नई रिकवरी और नए केसेस के आने में, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के लिए है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक विधायक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। विधायक का शव दिनाजपुर के एक बाजार में दुकान के बरामदे में लटका मिला। बीजेपी ने हत्या का शक जाहिर किया है, और ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के किसी नेता के साथ हिंसा हुई हो। क्या है ये पूरा मामला, यही समझने के लिए मैंने बात की कोलकाता से आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से। दरअसल उत्तर बंगाल में जब से 2019 से बीजेपी जीती है उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का शव
एक दुकान के सामने, एक मार्केट के सामने झूलता हुआ मिला। सुबह इस घटना के बाद इलाके में भीड़ हो गई और भीड़ का आलम यह था कि आसपास के सारे लोग जमा हो गए थे। समझ ये नहीं आ रहा था कि अगर इस व्यक्ति ने, इस विधायक ने अगर आत्महत्या की है तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर आकर इस घटना को अंजाम क्यों दिया। उसकी धर्मपत्नी का कहना है कि आखिरकार रात को 1 बजे के आसपास कोई बुलाने आया था, जिसके बाद वो बाहर गए, लेकिन अपनी बाइक लेकर नहीं गए और न ही अपनी साइकिल या कोई ऐसे वाहन लेकर गए। रास्ते में जो 1 किलोमीटर का रास्ता है बहुत ही ज्यादा कीचड़ से भरा हुआ है, तो उनके कपड़े पे किसी तरह के निशान क्यों नहीं थे। वो कौन था जिसने उनको आवाज दी थी। और साथ ही साथ जो व्यक्ति अगर आत्महत्या करने के लिए जाता है तो क्या वो अपने साथ कपड़ा और बाकी सारा सामान भी लेकर निकले थे रात को, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक का नाम देवेंद्र नाथ रे है जो हिमताबाद से विधायक हैं। इसके पहले वो वाम मोर्चा के CPIM के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे थे। 2019 में चुनाव के पहले उन्होंने दल बदला और भाजपा में आ गए। भाजपा में आने के बाद उत्तर बंगाल में जीत भी बहुत बड़ी रजिस्टर हुई, उसमें कुछ न कुछ भूमिका इनकी भी रही होगी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से एक झूलते हुए शव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। मनोज, पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया है? पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शव को ऑटोप्सी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। करीब इन सारी घटनाओं के प्रकरण के बाद जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं सुमित कुमार दिनाजपुर जिले के, उन्होंने ये साफ कहा है कि एक सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट पे 2 व्यक्तियों के नाम हैं जो अभी पुलिस फिलहाल तफ्तीश की वजह से नहीं बता रही है। दूसरी बात ये कि अब इस पूरे मामले की जांच को CID के हाथ दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि अभी तक जो जिला की पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी, अब इस पूरे मामले को CID जो बंगाल की पुलिस है वो अब इन्वेस्टिगेट करेगी। कई बातें आ रही हैं सामने। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि रात को कौन था वो व्यक्ति जो बुलाकर लेकर गया। परिवार हालांकि अभी तक CID की जगह CBI की मांग कर रहा है। जी मनोज्ञ, बीजेपी इस पर हत्या का आरोप लगा रही है और ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी से जुड़ा कोई व्यक्ति हिंसा का शिकार हुआ है। आपको क्या वजह लगती है जो इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं थोड़े थोड़े दिनों में? बीजेपी का दावा है कि अभी तक पंचायत चुनाव से लेकर अभी तक करीब 100 से अधिक उनके पार्टी के कार्यकर्ता की जान जा चुकी है। हर बार जब पुलिस को तफ्तीश करने को कहा जाता है तो उसमें राजनीति का रंग कभी नहीं दिखता है। इस बार उन्होंने फिर एक बार एक विधायक की इस तरह से मौत हो जाने के बाद CBI की इंक्वायरी की मांग की है। एक और जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने इस बात को साफ कहा है कि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति की दुश्मनी किससे थी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TMC के कन्हैयालाल अग्रवाल हों या फिर शीलभद्र दत्ता, जिन्होंने सीधे निशाने पर अमित शाह गृह मंत्री को लेकर ये कहा है कि पहले अपनी पार्टी के गिरवान में झांक के देखें, गुजरात को देखें। तृणमूल का आरोप तो है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्यारोप में ये साफ कह दिया है कि जिस तरह से ये बार बार की घटनाएं हो रही हैं, इसकी वजह से खुद TMC बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे, क्योंकि वो ही सत्ता में है। इन सब के मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे का बंद रायगंज में बुलाया है। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। पहले सुनने में आया था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही नई जनसंख्या नीति लाने जा रही है। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। अब जब यूपी में इस साल पंचायत चुनाव होने को हैं तो ये बात एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को यूपी की सरकार से अपील की कि पंचायत चुनाव में उन लोगों को ना लड़ने दिया जाए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। किन किन राज्यों ने इसे पहले से अपनाया हुआ है, साथ ही कितना संवैधानिक है ये कह देना कि 2 बच्चे होंगे तब ही चुनाव में भाग ले सकेंगे, हमारी सहयोगी माधुरी बता रही हैं। बच्चे 2 ही अच्छे तो हमने सुना है, कहा है और स्लोगन और पोस्टर्स पर भी लिखा है, लेकिन चुनाव की बात जब आती है तब हर बार कैंडिडेट्स की योग्यता के लिए 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए के नियम से बार बार पीछे हटती नजर आती हैं सरकारें, लेकिन घोषणा जरूर की जाती है। 2 चाइल्ड पॉलिसी और जनसंख्या नीति को लेकर कई सवाल खड़े हैं। इन्हें लेकर मैंने बात की हर्ष टिक्कू से,
जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे जानकार हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि नई जनसंख्या नीति वास्तव में है क्या। जनरली इस तरह की पॉलिसी के अंदर पंचायती चुनाव लड़ने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। एजुकेशन बेनिफिट्स जो प्रोवाइड होते हैं ऐसे फैमिलीज को, वो बंद कर दिए जाते हैं अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, या तो आप उसके अंदर अपीयर ही नहीं हो सकते हैं, या फिर जो अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उन पे भी रोक लगा दी जाती है। जी, और इस 2 बच्चे वाली पॉलिसी से क्या फायदा होगा? पॉलिसी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिसी अपने आप में एक फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन हाँ, 2 चाइल्ड फैमिली के मेंबर हैं और 2 चिल्ड्रन ही रहते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एजुकेशन रिसोर्सेज आप बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर हम कंट्री और स्टेट के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे लैंड रिसोर्सेज फ्यूचर में यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ फूड प्रोडक्टिविटी, वो लिमिटेड है। उन सब का यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव जनरली यही रहता है। जी, इस पॉलिसी को लागू करने में क्या कोई कानूनी बाधाएं हैं? लीगल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो एक डिक्लेरेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, इंडिया ने ये साइन किया है डिक्लेरेशन, और इसके अकॉर्डिंग अभिव्यक्ति की आज़ादी और आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स पे आपकी आज़ादी रहेगी। इंडिया ने वो साइन किया है डिक्लेरेशन, तो इंडिया बाउंड है वहाँ दिए गए कमिटमेंट से। इसके अलावा भी आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का हमें जीने का अधिकार देता है। और अगर लीगल राइट्स, लीगल ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड को थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो ये देखा गया है जहाँ पर अभी तक 2 चाइल्ड पॉलिसी या फिर कोई भी चिल्ड्रन पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट की गई है इंडिया के स्टेट्स में, वहाँ पर हम बायस रहे हैं मेल चाइल्ड के फेवर में। तो फोर्स्ड रिस्ट्रिक्शन, चाइल्ड एबॉर्शन, गर्ल चाइल्ड एबॉर्शन, इसका नंबर बहुत बड़ा है। 2018 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 2 करोड़ के आसपास लड़कियां वो हैं जो सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि पेरेंट्स एक लड़का चाहते थे। तो ये नंबर और बढ़ेगा अगर कोई भी चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी कहीं पर भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की प्रेफरेंस हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर मेल चाइल्ड की देखी गई है फॉर देयर ओन फ्यूचर बेनिफिट्स। हाँ जी, तो आपका क्या मानना है कि इससे जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलेगी? क्या इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और अगर हो भी पाएगा तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं। जहाँ पर पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वहाँ पर देखा गया है कि एजेड पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। चाइना के अंदर जहाँ 4% एजेड 65 साल से ऊपर के लोग थे, वहाँ अब 10% 65 साल के ऊपर के लोग हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगर आप एक तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हो वहीं पर आप डिपेंडेंसी बढ़ा भी रहे हो। डेमोग्राफिक डिवाइडेंट खत्म हो जाता है आपका अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो बच्चों के पैदा होने पर। इसके अलावा इसके इंडिया की TFR रेडी, सो कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एक महिला के कितने बच्चे हैं एवरेज इंडिया में, तो वो रेट 2.3 है। और 2.1 अगर वो होगी तो वो रिप्लेसेबल रेट होगी, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ख़त्म भी हो जाएंगे, तो वो एक आइडियल रेट मानी जाती है। इंडिया उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारे को आइडियली पॉपुलेशन कंट्रोल के अगर मेजर्स लेने हैं तो स्पेसिफिक स्टेट्स में लेने की ज़रूरत है, और वहाँ पर भी इस तरह के मेज़र की बजाय कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए रादर देन फोर्सिंग एनीवन। जी, कितने राज्यों ने इसे अब तक अपनाए हैं और किस तरीके से अपनाया है? अभी तक ऐसे फैसले कुछ स्टेट्स में लिए गए हैं। गुजरात में इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी है सन 2005 से। महाराष्ट्र में सिविल सर्विस रूल्स के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करने पे कुछ पाबंदियां हैं अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो। असम ने रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म अप्लाई करने का डिसीजन लिया है। इसके अलावा पहले मध्य प्रदेश ने भी 2001 के आसपास ऐसा लॉ बनाया था, लेकिन उसको बाद में उन्होंने 2005 में हटा दिया। आंध्र प्रदेश के अंदर एक ऐसा लॉ है जिसमें इलेक्शंस में रिस्ट्रिक्शन है और कुछ
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन नहीं दिया जाता है अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं किसी महिला को, कंसिडर नहीं किया जाता है। उड़ीसा के अंदर इस तरह के मेजर्स हैं जिसमें लार्जली, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जुडिशियल सर्विस ज्वाइन करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो। जनरली ये फेनोमेना देखा गया है इंडिया में। जी, ये थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हर्ष टिकू। अतीत की ओर देखा जाए तो 1951 में ही भारत ने अपना पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था और विकासशील देशों में पहली बार किसी ने ऐसा कदम उठाया था, जो उस वक्त एक क्रांतिकारी कदम तो था, मगर चुनावों के लिए इसे अब तक लागू कर पाना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। माधुरी, आज तक रेडियो। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे और साउंड पर मेरे साथी कपिल देव सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।